दोस्तों, हम यहाँ पर अभी आए हैं यहाँ पकड़ने के लिए कबूतर। ये भाई जो से नाम है मना कर रहे हैं। हाँ, तो फाइनली भाई इनसे बात हो गई है, दाना हम लोगों ने ले लिया है, तो दाना लेके जा रहे हैं अभी आगे सुधर। लेकिन यार हमारी डील ये हुई है कि हम लोगों को हाथ से पकड़ना पड़ेगा पिजन। वो कह रहे हैं कि सब पिजन के बेबी होते हैं और ये भाग जाएंगे, फिर वापस आएंगे नहीं खाना खाने के लिए। आराम से रुद्र, आराम से। तो भाई बंदा चले गया हमारा कबूतर पकड़ने के लिए। कौन सा वाला पकड़ने लगा भाई? इसमें है ही नहीं है, इसमें कोई नस्ली नहीं है। तो भाई ये देखो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग बोलते हो कि ऐसी वीडियो बनाओ, ये लगा 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 आने लगा। ओ भाई भाग गया, कोई भी हाथ नहीं आया भाई। तो भाई एक बार पकड़ने लगे थे, नहीं पकड़ा गया हम लोगों से, अभी फिर से ट्राई करने लगे हैं। असल में मूड लगा था पकड़ने के लिए, लेकिन भाई ने बोला मैं पकड़ता हूँ आज, हमारी भी वीडियो बनाओ, हमें वीडियो में लो, इसीलिए ले लिया मैंने। ये क्या पकड़ा? अबे यार ये जंगली पकड़ लिया। तो भाई जंगली पकड़ लिया था एक बार पिजन, जा यार तुमने जंगली पकड़ लिया था भाई। भाई दादा कहाँ डाला है? वाइट आएगा भी पकड़ना भाई। वो बैठा हुआ पीछे भाई, दाना लेके आता वो बैठा हुआ भाई। एक बार फिर से दाना ले लिया, दाना खत्म हो गया था हमारे पास। तो भाई वो जो था फिर गया पकड़ने के लिए हमारा बंदा। पकड़ ले। व्हाइट वाला पकड़ना, व्हाइट वाला। दोस्तों वो चेक करो यार, ये व्हाइट पिजन बैठा हुआ है और इसको पकड़ नहीं रहा है। उधर फेंक दाना, उधर फेंक, व्हाइट वाले के पास फेंक, व्हाइट वाले के पास जाके फेंक दे दाना। ये दोस्तों मजा आने वाला है क्योंकि व्हाइट पिजन का शिकार करने लगे हैं। चलो पकड़ो ये वाला। अरे यार रुद्र क्या किया तूने, हाथ से निकाल दिया फिर से। तो दोस्तों हमारे हाथों की पिजन नहीं आया अभी तक, और नेट मारने नहीं दिया। वो भाइयों ने कहा यार इनके बच्चे वगैरह होते हैं, तो हमें भी ख्याल है इस चीज का। तो हमने सोचा यार यहाँ से नहीं पकड़ते, कहीं और से पकड़ते, क्योंकि यार वो बहुत लड़ रहे थे हमसे, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने हैंडल किया उनको। तो फिलहाल अपनी बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से। आजा भाई बैठो, आगे चलते हैं इंडस्ट के पास। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जो दोस्त हमारी वीडियो पे नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने घर पे पहुंच गए हैं, तो अभी मैं जाऊंगा अपने पिजन्स के पास, इनको खोलता हूं, और एक बहुत जरूरी बात करनी है आप लोगों से, वो ऊपर ही आगे बात करेंगे हम। तो अभी मालूम चला हम लोगों को यार हमारे एरिया के अंदर लड़ाई हो गई है, किसी लड़के ने किसी को छुरी मार दी है। तो भाई वो कोने की तरफ दिखाता हूँ आपको, बहुत भीड़ हो रही है, अभी वहाँ जाते हैं और देखते हैं। वो कोने की तरफ ना बहुत भीड़ है, अभी जल्दी वहाँ चलते हैं, खत्म हो गई है, देखेंगे ना किसने किसको मार दिया। दोस्तों मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ फड्डा जो हो रहा है ना वो पानी के पीछे हो रहा है भाई, यहाँ पानी वानी नहीं आ रहा है, ये सब लोग लड़ रहे हैं आपस में। दोस्तों तफरी का माहौल है, देखो ये भाई वीडियो बना रहे हैं भाई की, ये बहुत शोर कर रहे हैं। दोस्तों मैं अपने कबूतरों के पास आ गया हूँ, तो भाई इनको भी साथ खोलेंगे, आपसे बात भी करेंगे। तो दोस्तों बात ये करनी थी कि यार आप लोग कमेंट करते हैं मुझे कि आप रोड से पिजन पकड़े। सच बात तो ये है कि मेरा भी पकड़ने का दिल नहीं करता है, और दूसरा वो जो पिजन को दाने डालते हैं ना वो भी हमसे बहुत लड़ते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो क्योंकि उनके बच्चे होते हैं पिजन के, वो भी सही है अपनी जगह के ऊपर, और हमें भी पकड़ने नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग की मोहब्बत में भाई चला जाता है पकड़ने के लिए। तो ऐसा जैसे कि आज हमारे पास पिजन नहीं आए हैं, अगर पकड़ना होते तो हम पकड़ भी सकते थे उनको, लड़के पकड़ लेते जैसे मर्जी पकड़ लेते, वो जो पिजन है उनके अब्बा के तो है नहीं है। तो ये है कि लेकिन छोटे छोटे बच्चे पिजन्स के होते हैं, ये बात सच है, तभी इतने सारे पिजन्स रोड के ऊपर है। तो यार ऐसे कमेंट नहीं किया करें, बल्कि मैं तो बोलूँगा जो लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं ना, आप लोग उनमें भी बोला करें कि नहीं पकड़ा करें कमेंट के अंदर उनके बोला करें। और आपको मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट बताना कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो यार मैं वीडियो बहुत कम डाल पाता हूँ, क्योंकि तो अपना काम में भी होता हूँ मैं, इतना बड़ा चैनल तो मेरा है नहीं है कि मेरे सारी सोर्स यही है, तो वीडियो कम डालता हूँ। लेकिन जब मैं कम डालता हूँ आप लोग उसमें कमेंट कर देते हैं कि आप लोग
कि पिजन पकड़े रोड से भाई, पिजन पकड़े तो यार वो मुझे समझ में नहीं आता। अभी हमारा बच्चा गंदे लगा, वो उसकी अम्मा चढ़ेगी बच्चे के ऊपर। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे को बता सकते हैं कि हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि यार जो होते हैं ना पिजन, मेरे सबसे फेवरेट चीज़ यही है और मैं काफ़ी टाइम से रखता हुआ आ रहा हूँ इनको, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है यार। इनको दुख नहीं देना चाहिए, इनके अगर बच्चे हों या कुछ भी हो तंग नहीं करना चाहिए इनको, ये बस बहुत मासूम होते हैं। देखो कितना मासूम है, अभी से देख लो ये, तो इनको क्या तंग करके क्या मिलेगा हम लोगों को। इसलिए आज के बाद ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे कि रोड से पिजन पकड़ रहे हैं हम लोग या कुछ कर रहे हैं, तो बस ना इसको ख़त्म करते हैं इस ट्रेंड को। और जहाँ तक लगता है मुझे ये फर्स्ट वीडियो मैंने ही बनाई थी। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे रोड सारे नया पिजन पकड़ लिए तो मेरी वीडियो सबसे ऊपर ही आएगी, हो सकता है नीचे भी आए, किसी के व्यूज़ ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रेंड मैं ही लेके आया था। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ दूसरे लोग भी जो मेरी वीडियो को देखेंगे रोड से नया पिजन पकड़ते हैं, तो भाई आप लोग उसे भी रिक्वेस्ट नहीं पकड़ा करें यार, ये बस ये क्योंकि ये पिजन का फ़ायदा नहीं है पकड़ने का। घर पर भी लेके आए ना हम लोग तो ये रुकते नहीं है हमारे पास। सच बात ये है, मैं जितने भी लेके आया हूँ पकड़ के वीडियोज़ के अंदर, वो घर पे नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं। तो यार फिर तंग करने वाली बात है इनको। दोस्तों आज मैंने ना अपने पिजन को मूंग की दाल डाल दी है। अब मुझे पता नहीं इसका नुकसान होता है या नहीं होता है, बस घर वालों ने कहा था यार थोड़ी सी दाल पड़ी है ये इनको दे दो। मैंने बोला ठीक है लाओ डाल के देख लेते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते, अभी चेक भी करते हैं खाएँगे कि नहीं। चलो भाई अभी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। दोस्तों उड़ने वाले पिजन हमने निकाल दिए, वो सब उड़ रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है ये दो पिजन मैंने पकड़े हैं, ये कुछ दो दिन पहले और ये परसों वाले दिन मैंने पकड़ा है। तो भाई हम ऐसे पकड़ लेंगे कबूतर बहुत सारे और केज भर देंगे, और ज़्यादा भरना होगा तो फिर मैं जाके मार्केट से लेके आऊँगा। और वाइट पिजन तो मुझे लेके आना ही है 14 अगस्त के लिए, आप लोगों को मालूम है। दोस्तों ये भी एक नया नया पिजन हमारे पिजन साथ उड़ना शुरू किया है, रेड कलर लगा हुआ है इसके पर के नीचे, पीछे चले गया, अभी आएगा दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों ये वाला पिजन वो जा रहा है, वो जा रहा है। दोस्तों ये हमारा जंगली वाला पिजन ना जोन सा, इसका नाम हमने लड्डू रखा हुआ है। ये आज दो दिन के बाद आया, दो दिन से गया हुआ था ये, और अभी अभी आके बैठा है यहाँ पे। अबे भाई कहाँ थे इतने दिनों से। दोस्तों मैंने अभी अपने बच्चे को खाना दिया है, लेकिन इनका खाना ख़त्म हो गया था यार, तो मैंने इन्हें कबूतरों का बाजरा दे दिया है। बस अभी मैं वो लेने के लिए जाऊँगा, और जब तक मैं अपडेट दिखा देता हूँ आप लोग को हमारे बच्चे के अंडे जोन से बच्चे निकले हैं कि नहीं निकले। तो भाई अंडे तो पूरे के पूरे हैं, तो अभी तक बच्चे नहीं निकले हैं। तो दोस्तों मैं चलता हूँ इनका खाना लेने के लिए, अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।